आज भादवा कृष्ण पक्ष छठ शनिवार 28 अगस्त 2021 है। आइए चलते हैं पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर और आज के राग भोग व श्रृंगार सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में निभाई जाने वाली अद्भुत परंपराओं में आज हम कुछ राजसी परंपराओं का अवलोकन करते हैं। यह श्रीनाथ जी मंदिर का श्रीनाथ बैंड है। स्थल श्री गोवर्धन पूजा का चौक श्रीनाथ जी मंदिर है और समय है जन्माष्टमी के दिवस का श्रृंगार के दर्शनों का। यह श्रीनाथ बैंड जन्माष्टमी उत्सव के अवसर पर प्रभु श्रीनाथ जी को सलामी देने के लिए आया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं झंडा एवं निशान को झुकाकर सलामी दी जा रही है। इस सलामी के साथ ही नगारखाना के कर्मचारी भी विभिन्न वाद्यों के माध्यम से बधाई की धुन बजाते रहते हैं। श्रीनाथ बैंड की सुमधुर धुन एवं नगारखाना कर्मचारियों की बधाई की धुनों के साथ ही सलामी देकर श्रीनाथ बैंड वापस अपने गंतव्य स्थल रिसाला की चौक पहुंच जाता है। यहां उल्लेखनीय है कि श्री जी की नित्य सेवा एवं बड़े उत्सवों के अवसर पर इस प्रकार के आयोजनों के लिए नगारखाना एवं श्रीनाथ बैंड जैसे विभाग बने हुए हैं। और अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह श्रीनाथ जी मंदिर स्थित मोती महल के हैं, जहां पर सुंदर विद्युत सज्जा की गई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं नंद महोत्सव ही नहीं, हर बड़े उत्सव पर इस प्रकार की विद्युत सज्जा मोती महल एवं नगारखाना द्वार पर की जाती है। यह भी प्रभु श्री जी की सेवा प्रणाली का में उत्सवों के अवसर पर एक परंपरा है। ऐसी और भी कई परंपराएं निभाई जाती हैं, जिन्हें राजसी परंपराओं की श्रेणी में रखा जा सकता है, जिनके पीछे भाव यह है कि प्रभु श्रीनाथ जी राजाओं के राजा ब्रह्मांड नायक हैं। आइए ऐसी ही एक राजसी परंपरा की थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। यह शक्ति स्थल है रसाला के चौक में स्थित, जहां पर दशहरे के अवसर पर यह पूजा की जाती है। यहां प्रभु श्रीनाथ जी को सलामी देने के लिए दो तोपें रखी गई हैं, जिनमें एक नर है और एक मादा है। यह नर तोप है, जिनकी साफ सफाई एवं रंग रोगान का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। अंतिम चरण में जन्माष्टमी पर प्रभु को सलामी दी जाए तब किसी प्रकार का विघ्न न हो, इसलिए इसकी देखरेख की जा रही है। श्री जी के लश्कर में शामिल श्रीनाथ गार्ड्स के ये कर्मचारी इसकी साफ सफाई पुनः कर सभी कुछ दुरुस्त कर रहे हैं।
उल्लेखनीय यह है कि यह तोपें लगभग श्रीनाथ जी जब मेवाड़ पधारे तभी से श्री जी की सेवा में हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जब श्री जी मेवाड़ पधारे थे तब मेवाड़ के महाराणा ने प्रभु को 21 तोपों की सलामी उदयपुर में दी थी। तब से श्री जी को सलामी देने की यह परंपरा जारी है। जहां वर्तमान में वल्लभ विलास बना हुआ है वहां कभी तोपखाना हुआ करता था, जहां ये तोपें रखी जाती थी। वर्तमान में यह रसाला की चौक में रखी जाती हैं एवं इनकी देखभाल के लिए विशेष स्टाफ नियुक्त है। इन तोपों की मार एवं गर्जना काफी व्यापक है, इसलिए इनमें से एक तोप का नाम गर्भ गांजिनी भी रखा हुआ है। यह जो आप देख रहे हैं यह मादा तोप है। दोनों ही तोपों से बारी बारी कर जन्माष्टमी की रात 12 बजे 21 बार प्रभु श्रीनाथ जी को सलामी दी जाती है। तोप से एक बार विस्फोट करने के लिए 1 किलो के लगभग बारूद का उपयोग किया जाता है। इसकी पूरी प्रक्रिया में यहाँ के कर्मचारी दक्ष हैं और उन्हें वर्षों का अनुभव है। यह जो आप देख रहे हैं यह सूत की गोटियां हैं जिन्हें डाट के रूप में लगाया जाता है, अर्थात बारूद के ऊपर ढक्कन के रूप में। सभी तैयारियां पूर्ण होने के बाद हमने यहाँ के कर्मचारियों से बात की, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि इन तोपों का प्रयोग वर्ष में केवल एक ही बार जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है, लेकिन इनका रखरखाव वर्ष भर किया जाता है। हालांकि इन तोपों का उपयोग विशेष कुछ अवसरों पर भी किया जाता है, जिनमें से एक अवसर तिलकायत परिवार में पुत्र रत्न के होने का भी होता है। जैसा कि तिलकायत श्री राकेशी महाराज के पुत्र चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा के पुत्र रत्न होने पर देखा गया था। उनका कहना था कि हर काल एवं परिस्थिति में श्रीनाथ जी की यह परंपरा अवश्य निभाई जाती है। कोरोना काल में भी इसे निभाया गया है और वर्तमान कोरोना काल में भी प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार यह परंपरा निभाई जा रही है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 21 तोपों की सलामी की यह परंपरा निभाई जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि तोपों के बैरल पुराने हैं, अर्थात जब श्री जी को भेंट किए गए तब के, लेकिन इसके पहिए एवं अन्य एसेसरीज को कभी कभी रिपेयर भी किया जाता है और नया भी बनाया जाता है। इसके लिए बकायदा यहाँ पर कर्मचारी नियुक्त हैं और यह वह स्थल है जहाँ पर यह परंपरा निभाई जाएगी, रिसला की चौक पर। आइए कुछ पूर्व के दृश्यों का अवलोकन करते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि 21 तोपों की इस सलामी परंपरा से प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी की पहचान विश्व भर में है कि यहाँ पर जन्माष्टमी एवं नंद उत्सव ऐसे अलग अंदाज में मनाए जाते हैं जैसे दुनिया में और कहीं नहीं मनाए जाते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। श्री जी दर्शन से पहले आइए आज की विशेषताएं देख लेते हैं। आज सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है, तकिया आज लाल काम वाले आते हैं। आज श्री जी में जन्माष्टमी की पान घर की सेवा की जाती है और प्रभु को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में मेवा बाटी अर्थात मेवा मिश्रित खस्ता ठोड़ अरोगाई जाती है। सब ग्वाल नाचे गोपी गावे सब
आइए सबसे पहले प्रभु श्री जी में आज की साज सज्जा के दर्शन कर लेते हैं। आज श्री जी के पार्श्व भाग में मलमल की हरे एवं श्वेत रंग के लहरिया की पिछवाई सजाई जाती है। यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया से सजी हुई होती है। पिछवाई के अलावा प्रभु के समक्ष अन्य साज में गादी, तकिया, चरण चौकी, पड़घाजी, त्रष्टि एवं खेल के साज पधराए जाते हैं। इनमें से गादी तकिया पर आज लाल मखमल की बिछावट की जाती है और स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी के ऊपर हरी मखमल लगी हुई होती है। दो स्वर्ण के पड़घाजी पधराए जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती हैं। एक अन्य चांदी के पड़घाजी पर माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा होता है और सन्मुख में धरती पर जो त्रष्टि पधराई जाती है वह चांदी की होती है। इनके साथ दो गुलाब दानियां भी पधराई जाती हैं। तो खेल के साज में आज पट शतरंज का हरा एवं गोटी स्वर्ण की शतरंज वाली पधराई जाती है। आइए अब प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्री जी को हरे एवं श्वेत लहरिया के वस्त्र धराए जाते हैं, जिसमें आज पिछोड़ा धराया जाता है। यह पिछोड़ा भी रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होता है, लेकिन यह किनारी दृश्यमान नहीं होती है। इनके साथ जो ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज धराए जाते हैं वह लाल रंग के होते हैं। अब प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले श्रृंगार एवं आभरण के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्री जी को छेड़ान का अर्थात छोटा कमर तक का श्रृंगार धराया जाता है। इन श्रृंगार आभरणों में कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण प्रभु को धराए जाते हैं। यह सभी आभरण मानक तथा जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। चलिए अब प्रभु के श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन कर लेते हैं। आज श्री जी को हरे सफेद लहरिया की पाग धराई जाती है। इस पाग के ऊपर सिरपेच धराए जाते हैं, लूम धराई जाती है और इनके साथ सुनहरी जमाओं का कतरा एवं सुनहरी तुर्री तथा बाई ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज माणक के कर्ण फूल धराए जाते हैं। श्री कंठ में आज हार एवं दुलड़ा विशेष धराया जाता है। प्रभु श्री जी को फूल घर की सेवा के तहत आज गोंजा माला के साथ श्वेत एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धराई जाती हैं और इसी प्रकार की पीले पुष्पों की दो माला जी प्रभु को हमेल की भांति भी धराई जाती हैं। वहीं प्रभु को श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई जाती है। तो वेणु जी आज लाल मीणा के सिद्ध किए हुए धराए जाते हैं। प्रभु के कटी पर आज एक वैत्र जी धराए जाते हैं, यह भी लाल मीणा के सिद्ध किए हुए ही होते हैं। इन सुंदर वस्त्र आभरण एवं श्रृंगारों से अलंकृत प्रभु श्री जी को आज आरसी श्रृंगार के दर्शन में स्वर्ण की दिखाई जाती है तो राजभोग के दर्शन में स्वर्ण की डांडी वाली आरसी दिखाई जाती है। आइए अब प्रभु श्री जी की एक और महत्वपूर्ण सेवा राग सेवा का अवलोकन कर लेते हैं। इसके तहत मंगला में आज मोद विनोद आज ग्रह नंद, राजभोग में सब ग्वाल नाचे गोपी गावे, आरती के दर्शनों में चलो मेरे लाडिले हो पायन, शयन के दर्शन में अंधियारी भादो की रात, पोड़वे के पदों में ग्रह आवत गोपी जन कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें भोग सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को दूध घर, बाल भोग, शाक घर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है। तो पान घर की सेवा के तहत प्रभु श्री जी को तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं आरती तथा शयन दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। जय श्री कृष्ण।
अब पुष्टि सृष्टि से दर्शन करते हैं। जय गोपी गावे सब।
इतना ही हम आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाड्य, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका साहब एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।